विधायक निवास में स्थापित कोविड-19 के संघर्ष कर रहे डॉक्टर के निवास पर संकट छा गया है। विधानमंडल के शेष सत्र की तैयारी के तहत सार्वजनिक विभाग इन्हें 30 सितंबर तक खाली कराने के लिए प्रशासन को नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। भवन में विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति के साथ साथ कैबिनेट मंत्रियों के निवास रहते हैं। फिलहाल विधायक निवास परिसर का उपयोग कोविड केयर के सेंटर के रूप में हो रहा है। यहाँ की इमारत क्रमांक 1 में निर्माण कार्य चल रहे हैं, जबकि इमारत क्रमांक 2 एवं 3 के 210 कमरों में कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए। यहाँ हल्के लक्षण वाले कोविड मरीजों का उपचार किया जा रहा है। VNIT के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है। अब यहाँ से अगर कोविड केयर सेंटर हटा तो मरीजों को स्थानांतरित करने की बड़ी चुनौती सामने आएगी। उधर रवि भवन में स्वागत कक्ष के पास स्थित 40 सुइट बिल्डिंग के 42 कमरों का उपयोग डॉक्टर एवं नर्सों के निवास के रूप में हो रहा है। यहाँ वे डॉक्टर हैं जो अस्पतालों में कोविड मरीजों की सेवा कर रहे हैं। चूँकि इस अवधि में वे घर नहीं जा सकते, इसलिए उनके निवास का प्रबंध यहाँ किया गया। इसके साथ ही यहाँ मनपा का कोविड टेस्टिंग सेंटर भी है। इस सेंटर में रोज सैकड़ों मरीजों की जाँच की जा रही है। अब शेष सत्र के मद्देनजर PWD को मजबूरन इन दोनों परिसरों को अपने अधिकार में लेना होगा। अन्य परिसर को कब्जे में लेने की प्रक्रिया पहले ही आरंभ हो चुकी है। 160 खोली परिसर को खाली कराने का नोटिस पहले ही जारी हो चुका है।